यूपी विधानसभा में 2 अक्टूबर से 48 घंटे का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस 2 दिवसीय सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, कांग्रेस विधानमंडल दल नेता अजय कुमार लल्लू बैठक में मौजूद रहे। इस विशेष सत्र में गरीबी, भूख, भ्रष्टाचार संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में टिकाऊ विकास के लिए 17 लक्ष्य तय किए थे। उन सभी लक्ष्य को पूरा करने में सरकार जो कर सकती है वो करे, ऐसी अपेक्षा की गई थी। इसी को लेकर विशेष सत्र बुलाया गया है। 2015 में समन्वित सतत टिकाऊ विकास के 17 लक्ष्य तय किए थे। उनमें गरीबी, अशिक्षा, सबको ऊर्जा, सबका स्वास्थ्य, सबको पोषण, प्रत्येक व्यक्ति का पूरी दुनिया में ऐसे लक्ष्य तय किए थे संयुक्त राष्ट्र, और भारत ने उसमें हस्ताक्षर किया था। भारत भी उन उद्देश्यों के साथ संकल्पबद्ध है। इस विषय पर अपेक्षा ये रही है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारें अपने स्तर पर, विधायिकाएं अपने स्तर पर जो कर सकती हैं वो करें। यहाँ पर हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की, श्री योगी जी की सरकार, जिसके वरिष्ठ मंत्री आदरणीय खन्ना जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, यह निश्चय हुआ कि उत्तर प्रदेश विधानसभा और उत्तर प्रदेश विधान परिषद दोनों सदनों में इन लक्ष्यों को लेकर सकारात्मक चर्चा हो। मैंने इस प्रस्ताव की दृष्टि से सभी दलों के नेताओं को आज आमंत्रित किया था। वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बैठक बुलाई गई है, जिसमें तय हुआ है कि 48 घंटे का विशेष सत्र चलेगा। 2 अक्टूबर के आसपास ये सत्र चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर आज माननीय दलीय नेताओं की बैठक माननीय अध्यक्ष विधानसभा के द्वारा आहूत की गई थी, और जिसमें ये सर्वसम्मत से तय किया गया कि विधानसभा का एक 48 घंटे का बिना ब्रेक किए हुए सेशन हो, और उसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो अपेक्षाएं हैं उसकी पूर्ति करने के लिए एक विस्तृत चर्चा हो, एक व्यापक चर्चा हो, जिसमें सभी मान्य, और ये चर्चा 2 अक्टूबर के आसपास होगी। खासतौर से विधानसभा में जो सस्टेनेबल गोल्स के जो मुख्य बिंदु हैं, जैसे किसान सैनिटेशन है, शुद्ध पेयजल है, चिकित्सा सुविधाएं हैं, ये सभी को प्रॉपर तरीके से मिले, और जितने भी हमारे गोल्स हैं इसमें वो सारे के सारे गोल्स को अचीव करने के उद्देश्य से ही यह चर्चा की जा रही है। सत्र में विशेष रूप से सफाई, पेयजल, चिकित्सा, शिक्षा सुविधा जैसी सुविधाएं आम जनमानस को उपलब्ध हो, इस पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश विशेष रूप से इस पर पहल कर रहा है। सभी दलों ने इस पर अपनी सहमति भी दी है। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।